हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन प्रिंस एजुकेशन हब सीकर। दिस योर साइंस पीरियड टुडे वी हैव स्टार्ट इन चैप्टर नंबर 8, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। न्यू टॉपिक इज नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये नोमेनक्लेचर क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का? नोमेनक्लेचर मीन्स हम नेमिंग देते हैं बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ठीक है। अब नेमिंग क्यों देते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है, सुनो ध्यान से। क्योंकि आपको पता है हमारे आसपास के एरिए के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो कार्बन से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। अब इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, लाखों के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास, ठीक है। अब इन ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम नेमिंग कैसे करें, क्योंकि ये तो लाखों के अंदर हैं, तो इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इनको पहचानेंगे कैसे? तो इनको पहचानने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, इनको कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो नेमिंग कर रहे हैं हम, ये जो नाम दे रहे हैं उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम डिफरेंट डिफरेंट वे में नेम देते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ हमारे पास बेटा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास कार्बन से मिलकर बने हैं, उनकी जो नेमिंग है हम किस तरह से दें, तो हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे मेथड हैं जिनके वजह से हम उनकी नेमिंग देंगे। तो सबसे पहले कौन सा मेथड है हमारे पास, ट्रैवल मेथड है, ठीक है। सबसे पहले कौन सा है, ट्रैवल मेथड है, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रैवल सिस्टम। सेकंड है डिराइव्ड सिस्टम, और थर्ड है हमारे पास बेटा आईयूपीएसी सिस्टम। इन तीनों मेथड को हम डिस्कस करेंगे कि इनके अंदर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो नेमिंग है वो किस तरह से दे रखी होगी, ठीक है। इसके अंदर किस तरह से दे रखी है, इसके अंदर किस तरह से दे रखी है, या इस तरह के अंदर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो नेमिंग है वो किस तरह से दे रखी है, वन बाय वन इनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम इनकी नेमिंग कैसे दे रखी है। तो सबसे पहले हमारे पास बेटा क्या है, फर्स्ट मेथड है। तो फर्स्ट मेथड से हम नेमिंग देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड कौन सा है, ट्रैवल सिस्टम है हमारे पास, ठीक है। तो इस मेथड से हम नेमिंग देंगे। तो नेमिंग कैसे देंगे, इस मेथड का रूल क्या है, सबसे पहले रूल देखो इस मेथड का। इन दिस सिस्टम दी नोमेनक्लेचर वाज बेस्ड ऑन दी सोर्स ऑफ देयर प्रिपरेशन एंड ऑन देयर करेक्टरिस्टिक्स। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, कि हमारे पास जो ट्रायल सिस्टम है, ठीक है, इनके अंदर जो नेमिंग देंगे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो किसके ऊपर बेस होगी बेटा, कि किस सोर्स से वो तैयार हो रहा है, ठीक है। मतलब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो किस सोर्स से तैयार हो रहा है और वो क्या करेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है, उसी के बेस पे उसकी क्या देंगे बेटा, नेमिंग देंगे। और उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, ट्रायल सिस्टम बोलते हैं, ओके। अब देखो इसके अंदर, अब इससे आपको पता लग जाएगा कि उसकी नेमिंग जो है हम किस सोर्स से दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। देखो जैसे यहाँ पे फॉर्मूला है, ट्रायल नेम, नेमिंग जो दी है किसके बेस पे दी है, नेचुरल सोर्स, ठीक है, जहाँ से वो प्रिपरेशन हो रहा है, ठीक है, जहाँ से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार हो रहा है हमारे पास, ठीक है। जैसे सबसे पहले है CH4, CH4 को क्या बोलते हैं बेटा, मार्श गैस बोलते हैं, सुनो ध्यान से, CH4 को क्या बोलते हैं बेटा, मार्श गैस बोलते हैं। अब इसका नाम मार्श गैस ही क्यों पड़ा, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया था, मार्श गैस इसलिए पड़ा होगा क्योंकि जिस सोर्स से ये प्रिपेयर हुआ होगा, जहाँ से ये तैयार हुआ होगा, इसलिए इसका नाम मार्श गैस पड़ा होगा। तो यहाँ पे देखो कहाँ से अबटेन हुआ है, अबटेन फ्रॉम दी मर्शी प्लेसिस, ठीक है, मर्शी प्लेसिस या मर्शी लैंड से ये अबटेन होता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया बेटा, मार्श गैस रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे नेमिंग किसके बेस पे है बेटा, जहाँ से ये प्रिपरेशन हुआ है और क्या करेक्टरिस्टिक्स ये शो कर रहा है, उसी के बेस पे इसका क्या है, नाम है। देखो यस, नेक्स्ट देखो CH3OH जो फॉर्मूला है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, वुड स्प्रिट बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वुड स्प्रिट बोलते हैं। और इसको वुड स्प्रिट क्यों बोलते हैं, इसका नाम वुड स्प्रिट क्यों पड़ा, क्योंकि ये कहाँ से ऑब्टेन हुआ है बेटा, ऑब्टेन बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, मतलब ये वुड से ही तैयार हुआ हुआ है, ठीक है, ये वुड से ही तैयार हुआ हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वुड स्प्रिट। अब इसका मीनिंग क्या होता है, सुनो ध्यान से, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। वुड को क्या किया जाता है बेटा, हीट दी जाती है, वुड को हीट दी जाती है इन दी अब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। फिर वो वुड जो है चारकोल या किसी गैस की फॉर्म में या किसी कोक गैस की फॉर्म में चेंज हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड।
जैसे आपको पता होगा करोड़ों साल पहले हमारे पास जो प्लांट थे नीचे दब गए थे, वो किसकी फॉर्म में चेंज हो गए थे? कोयल की फॉर्म में, या बाद में गैस की फॉर्म में, या इसी की फॉर्म में चेंज हो गए थे। तो वहाँ पे भी क्या हो रहा था? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हो रहा था वुड का। तो वुड से ऑब्टेन हो रहा है, इसका नाम क्या रख दिया? वुड सिप्रिट। तो इसका नाम क्या आएगा? वुड सिप्रिट। नेक्स्ट देखो, CH3COOH, इसको क्या बोलते हैं? एस्टिक एसिड। अब इसका नाम एस्टिक एसिड क्यों पड़ा? इसका नाम एस्टिक एसिड इसलिए पड़ा क्योंकि ये कहाँ से ऑब्टेन हुआ है बेटा? विनेगर से। ये कहाँ से ऑब्टेन हुआ है? विनेगर से। और आप कहोगे सर ये विनेगर इससे मेल खाता ही नहीं है, तो ये विनेगर की जगह यहाँ पे एस्टिक एसिड क्यों लिखा? क्योंकि लेटिन के अंदर, लेटिन भाषा आपको पता है, लेटिन लैंग्वेज पता है, लेटिन के अंदर विनेगर का नाम क्या होता है? एस्टिकम। ठीक है, एस्टिकम होता है। ठीक है, लेटिन के अंदर इसका नाम क्या होता है? एस्टिकम। और एस्टिकम से क्या लिया गया है? एस्टिक एसिड को लिया गया है, याद रख लेना। तो हमारे पास ये ऑब्टेन हुआ है एस्टिकम से, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? एस्टिक एसिड। ओके, नेक्स्ट देखो HCOOH। ठीक है, HCOOH हमारे पास है, फॉर्मूला दे रखा है, और इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड। अब इसका नाम फॉर्मिक एसिड क्यों पड़ा? इसके पीछे का वही कहानी है सेम। ये ऑब्टेन हुआ है कहाँ से? फॉर्मिका से। ठीक है, तो ये ऑब्टेन हुआ है फॉर्मिका से, और फॉर्मिका से की वजह से इसका नाम क्या पड़ा है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिका क्या होता है? रेड आंट। ठीक है, क्या है हमारे पास? रेड आंट है फॉर्मिका। ठीक है, इससे ऑब्टेन होता है, ये अपने अंदर से क्या निकालती है? रेड आंट क्या निकालती है? एक एसिड रिलीज करती है जिसका नाम क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। तो ये फॉर्मिका से ऑब्टेन हुआ है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको बेटा? फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। तो ट्रायल सिस्टम में आपने क्या देखा कि हमारे पास जो नेमिंग आ रही है वो किसके बेस पे आ रही है? जिस नेचुरल सोर्स से, जहाँ से ये प्रिपरेशन हुए हैं, जहाँ से ये तैयार हुए हैं, ठीक है, और जिस तरह की ये करेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं उसी के बेस पे इनका क्या है बेटा? नाम दिया गया है। जैसे CH4 मार्श गैस है, तो मर्शीलैंड से ऑब्टेन हुआ तो मार्श गैस रख दिया, वुड से ऑब्टेन हुआ तो वुड सिप्रिट रख दिया। ओके, पहले हमने कर लिया था बेटा ट्रायल सिस्टम के बारे में, उसके बेस पे हमने जो नेमिंग की थी वो आपको पता है। अब नेक्स्ट है डिराइव्ड सिस्टम। ठीक है, तो ड्राइव सिस्टम के बेस पे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग कैसे होगी? तो यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू ड्राइव सिस्टम हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग कैसे होगी? तो पढ़ते हैं, इन दिस सिस्टम द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नेम ऑन द बेस ऑफ देयर सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब यहाँ पे हमारे पास जो नेमिंग होगी, जो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिस सिंपल कंपाउंड से मिलकर वो बना है, ठीक है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिंपल कंपाउंड से मिलकर बना है उसी के बेस पे उसकी नेमिंग देंगे, उसको क्या बोलते हैं? डिराइव सिस्टम। मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिस सिंपल कंपाउंड से मिलकर बना है, ठीक है, उसी के बेस पे उसकी नेमिंग देंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं डिराइव सिस्टम। अब इसके अंदर मैं ये करवा रहा हूँ आपको, जो भी करवा रहा हूँ फॉर्मूले, ठीक है, तो फॉर्मूले के ऊपर कोई डिप्रेशन नहीं लगाना, जोर नहीं लगाना कि ये कहाँ से आया, ये कैसे आया। सिर्फ आपको ये सिस्टम इसके अंदर इतना ही सुनना है कि इसका फॉर्मूला ये कैसे बना, ये फॉर्मूले बने कैसे हैं, ठीक है, ये कैसे आए हैं। जैसे ये देखो CH3CH3, ये कैसे आया, ये CH3CH2OH ये कैसे आया, ये ऐसे कैसे कर दिया सर ने। तो ये सभी चीज़ें जो, ये जो फॉर्मूले हैं हमारे पास, ठीक है, ये मैं आपको वन बाय वन आगे समझाऊंगा, ये कैसे होते हैं, इनको कैसे लिखते हैं, ठीक है, इनका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, ये मैं आगे आपको समझाऊंगा। सिर्फ यहाँ पे आपने इतना ही देखना है इसके अंदर, ठीक है, कि हमारे पास ये जो सिस्टम है इसकी नेमिंग कैसे होगी। ओके, सिर्फ नेमिंग पे ध्यान देनी है, ये फॉर्मूला कैसे बना है इसके ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना, नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ये जो फॉर्मूला बनाना है वो मैं आगे सिखाऊंगा आपको। ओके, नेक्स्ट देखो, जैसे सिंपल कंपाउंड है हमारे पास, देखो सिंपल कंपाउंड क्या है? CH4। CH4 को पीछे वाले में क्या बोलते थे? मार्श गैस। लेकिन एक्चुअल में इसका नेम क्या होता है? मीथेन। ठीक है, CH4 को क्या बोलते हैं बेटा? मीथेन बोलते हैं। ओके, तो मीथेन है हमारे पास, ठीक है, तो सिंपल कंपाउंड हमारे पास क्या है? देखो, ये हमारे पास था मीथेन सिंपल कंपाउंड, इस मीथेन से मिलकर बना क्या है? ये वाला कंपाउंड बना है, ठीक है, इस मीथेन से मिलकर क्या बना है? ये वाला कंपाउंड बना है। ओके, तो ये वाला जो कंपाउंड बना है इसका जो नेम होगा इसी के बेस पे होगा, ठीक है, इस कंपाउंड से, इस सिंपल कंपाउंड से मिलकर क्या बना है बेटा? ये वाला कंपाउंड हमारे पास बना है और इसका नेम जो होगा इसी के बेस पे होगा, तो इसका नेम क्या लिखेंगे? ट्राई मिथाइल मीथेन। तो पीछे क्या आ रहा है?
मिथेन आ रहा है। तो यहाँ पे सिंपल कंपाउंड से मिलकर, जो चीज़ सिंपल कंपाउंड से मिलकर बनी है उसी के बेस पे उसका नेम देंगे। यही था हमारे पास ड्राई सिस्टम। तो ये किससे मिलकर बना है? इसी के बेस पे। तो इसके नाम में लास्ट में क्या आएगा? मिथेन आएगा। ठीक है, जैसे देखो ये CH3OH, वहाँ पे क्या था? वुड सिप्रिट। और यहाँ पे इसका नाम क्या है? कार्बिनोल। तो यहाँ पे इसका मीनिंग हमारे पास ड्राई सिस्टम में क्या आएगा? सिंपल कंपाउंड से मिलकर जो चीज़ बनी है उसी का लास्ट में नाम आएगा, यही होता है हमारे पास। तो CH3OH को क्या बोलते हैं? कार्बिनोल बोलते हैं। और ये हमारे पास जो है किससे मिलकर बना है? इससे मिलकर बना है। ये हमारे पास इससे मिलकर बना है, ये इससे मिलकर बना है। तो CH3CH2OH ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये अभी नहीं ठीक है शो करना, और ना ही इसके ऊपर ज़्यादा दिमाग लगाना है। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे बना है, सिर्फ इसका सीखना है कि इसकी नेमिंग कैसे होगी। सबसे पहले तो ये CH3CH2OH जो है ये कहाँ से मिलकर बना है? इससे मिलकर बना है। और इसलिए इसकी नेमिंग जो होगी, इसकी नेमिंग क्या होगी? मिथाइल कार्बोनिल। इसको क्या कहेंगे बेटा? इसकी नेमिंग क्या है? मिथाइल कार्बोनिल। तो पीछे क्या लग गया? कार्बोनल। तो सिंपल कंपाउंड्स की हेल्प से ही इसकी क्या देनी है? नेमिंग देनी है। और इसी को क्या बोलते हैं? ड्राइव सिस्टम। देखो यहाँ पे क्या है, CH3COOH क्या बोलते थे? एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड से मिलकर क्या बना है? ये फॉर्मूला तैयार हुआ है, ये पूरा का पूरा। और इसका नाम क्या है? आइसोप्रोपाइल एस्टिक एसिड। पीछे क्या आएगा? एस्टिक एसिड ही आएगा। मतलब जो हमारे पास कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपल कंपाउंड से मिलकर बने हों, उन्हीं के द्वारा, सिंपल कंपाउंड के द्वारा उनकी नेमिंग दी जाएगी, उसको क्या बोलते हैं बेटा? ड्राइव सिस्टम। तो हर में देखो सिंपल कंपाउंड का नाम जो है पीछे आ रहा है, इसके पीछे आ रहा है, इसके भी पीछे आ रहा है। तो सिंपल कंपाउंड के बेस पे इसकी क्या होगी? नेमिंग होगी, उसको क्या बोलते हैं? ड्राइव सिस्टम। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा थर्ड जो है हमारे पास सिस्टम, उसका नाम क्या है? IUPAC सिस्टम। अब ये जो IUPAC सिस्टम है ये है क्या, सुनो ध्यान से। IUPAC सिस्टम जो है एक साइंटिफिक सिस्टमेटिक मेथड है जिसके द्वारा हम इजीली से नेमिंग कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की या किसी भी कार्बन कंपाउंड की। ओके, तो IUPAC सिस्टम एक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया एक इजी मेथड है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा बिल्कुल इजी से हम क्या कर सकते हैं बेटा, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या किसी भी कार्बन कंपाउंड की हम इजी से नेमिंग कर सकते हैं। हमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को। जैसे ही हमने फॉर्मूला उसका देखा, साथ के साथ हमें बता दिया इसकी नेमिंग क्या होगी। इतना इजी है। तो आगे आपको करवाऊंगा कि वो हमारे पास कैसे बनता है फॉर्मूला। ठीक है, अब हम फॉर्मूले बनाने पर ही हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा कि कैसे फॉर्मूले हमारे पास बनते हैं। तो IUPAC सिस्टम जो था वो सबसे सक्सेसफुल सिस्टम है। ये जो पीछे वाले आपने सुने हैं ट्रायल सिस्टम और दूसरा क्या था? ड्राइव सिस्टम, ये फेल हो चुके थे बेटा। ये दोनों सिस्टम फेल थे, ट्रायल सिस्टम और कौन सा? ड्राइव सिस्टम। ये फेल क्यों था? क्योंकि इनके लिए हमें क्या करना पड़ता, याद करना पड़ता था। जैसे ट्रायल सिस्टम में क्या था कि वो चीज़ कहाँ से ऑब्टेन हो रही है? मर्शी लैंड से ऑब्टेन हो रही थी, उसका नाम क्या रख दिया? मार्च गैंस। याद करना पड़ता था। जैसे दूसरा था ड्राइव सिस्टम के अंदर, ड्राइव सिस्टम के अंदर ये था कि हमें सिंपल कंपाउंड को याद करना पड़ता था किसी भी फॉर्मूले को नेमिंग देने के लिए। तो वो चीज़ रटने वाली थी, इसलिए साइंटिस्ट ने उसको प्रेफर नहीं किया, उन सिस्टम को फेल कर दिया, क्रॉस कर दिया। तो एक नया सिस्टम लेके आए जिसका नाम क्या था बेटा? IUPAC सिस्टम था, जो बहुत ही आसानी से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग बता सकता है। ठीक है, हमें उसके अंदर कोई भी चीज़ को रटना नहीं पड़ेगा, सीधी सिंपल से क्या बताएगा वो बेटा? उसकी नेमिंग बता देगा कि इसकी नेमिंग क्या होगी। तो IUPAC सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देखो, IUPAC इनकी फुल फॉर्म देखो। इसकी फुल फॉर्म होती है द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो याद रख लेना इसकी फुल फॉर्म क्या है, द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, तो IUPAC सिस्टम जो है एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा हम इजी से एक्सप्लेन कर पाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। ओके, तो सबसे पहले इसके कुछ रूल हैं। ठीक है, तो कुछ रूल सुन लो सबसे पहले, कि हमें जब भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर नेमिंग देनी है या फॉर्मूला बनाना है तो उसके कुछ रूल होते हैं। तो उन रूल को सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर उनके द्वारा हम क्या करेंगे बेटा? नेमिंग देंगे या फॉर्मूला बनाना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले रूल देखो। फर्स्ट रूल क्या कहता है बेटा, कि हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम, सुनो ध्यान से,
द नंबर ऑफ कार्बन एटम जो प्रेजेंट होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, मतलब जब भी हमारे पास फॉर्मूला तैयार होता है कोई ना कोई फॉर्मूला, तो उसके अंदर क्या होता है, चैन होती है किसकी, कार्बन एटम की। अब उस चैन की नेमिंग कैसे देंगे, जैसे मान लो कि ये हमारे पास है कार्बन, कार्बन ऐसे अटैच हैं, बहुत सारे कार्बन ऐसे अटैच हैं, ठीक है, तो इन कार्बन की जो नेमिंग है हम किस तरह से दें कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतने कार्बन हैं, ठीक है, तो हम इसकी नेमिंग देने के लिए कुछ रूल होते हैं, उनके द्वारा इनकी नेमिंग दी जाती है। तो हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम की किसी भी कंपाउंड के अंदर जो नेमिंग देनी है वो कैसे देंगे, ठीक है, तो सबसे पहले होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स सुनो क्या होता है, आपने सुना होगा इंग्लिश के अंदर एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स। प्रीफिक्स हमेशा आगे लगता है, सफिक्स हमेशा पीछे लगता है। नेमिंग के वक्त प्रीफिक्स आगे वाला पार्ट होता है और सफिक्स क्या होता है, पीछे वाला पार्ट। तो इसका मीनिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम जो लिखेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम जो लिखेंगे वो हम प्रीफिक्स में लिखेंगे, ठीक है। कैसे, अगर हमारे पास कार्बन एक हुआ, अगर मान लो कि कार्बन हमारे पास एक है तो हम उसको क्या बोलेंगे, मेथ बोलेंगे, ठीक है। अगर कार्बन हमारे पास क्या है बेटा, एक है, उसको क्या बोलेंगे, मेथ बोलेंगे। अगर हमारे पास कार्बन कितने हैं, दो हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, एथ बोलेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास कार्बन कितने हैं, तीन हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोप बोलेंगे, याद रख लेना। अगर हमारे पास कार्बन क्या है, चार हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, ब्यूट। अगर हमारे पास कार्बन कितने हैं, पाँच, तो उसको क्या बोलेंगे, पेंट। कार्बन छः हैं, हेक्स बोलेंगे। कार्बन सेवन हैं, हेप्ट बोलेंगे। कार्बन एट हैं, ओक्ट बोलेंगे। अगर कार्बन नाइन हैं तो नोन बोलेंगे, ठीक है। अगर कार्बन टेन हुए तो डेक बोलेंगे। सिर्फ टेन तक पढ़ना है, ठीक है, आपने उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ टेंथ तक का, आपका टेंथ तक की है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे देखो, कार्बन कार्बन की जो चैन है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो कार्बन की चेन अगर 10 तक हो तो उसको क्या बोलेंगे, डेक तक बोलेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये कार्बन की चेन कितनी है, 10 तक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, डेक की फॉर्म में आएगा, ओके। इतना दूर नहीं जाएंगे हम, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, कार्बन अगर एक हो, मेथ, कार्बन दो हो, इथ, कार्बन थ्री हो, प्रोप, कार्बन फोर हो, ब्यूट, कार्बन फाइव हो, पेंट, कार्बन सिक्स हो, हेग्स, तो ऐसे आपने इसकी नेमिंग देनी है। तो ये हमारे पास आएंगे प्रीफिक्स में, आगे आएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे पास, ये तो एक रूल आपने पढ़ लेना है, टेबल, ठीक है, ये टेबल आपने तैयार करनी है, इसके बिना आप नेमिंग सीख नहीं सकते, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो नेमिंग आएगी वो किसके अंदर आएगी, सफिक्स के अंदर आएगी। तो प्रीफिक्स आगे लगने वाला, सफिक्स पीछे लगने वाला। तो पीछे लगने वाले में है क्या, टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, कार्बन कार्बन एटम के बीच बॉन्ड कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या चल रहा है, ये मैंने जो बनाया था इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन एटम के अंदर कौन सा बॉन्ड है, ठीक है, वो हमारे पास हमेशा पीछे लगेगा, सफिक्स में लगेगा। तीन बॉन्ड होते हैं आपको पता है, एक होता है अल्केन, फिर अल्कीन और फिर अल्काइन, ये मैंने आपको बता दिया था, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अल्केन को क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हो, ये सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, तो पीछे वाले हिस्से में क्या लगेगा, एन लगेगा। क्या लगेगा बेटा, एन लगेगा, ओके। अगर कार्बन कार्बन हमारे पास क्या हो, डबल बॉन्ड हो, तो हमारे पास क्या होता है, अल्कीन, अल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड को कैसे शो करते हैं, ऐसे शो करते हैं, हम बीच में डबल बॉन्ड लगा देते हैं, तो उसमें क्या लगेगा, ईन। अगर सिंगल बॉन्ड हो, एन, डबल बॉन्ड हो तो ईन लगाएंगे पीछे नेमिंग के लिए। अगर हमारे पास क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, अल्काइन होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए पीछे क्या लगाएंगे, आयन लगाएंगे, वाई एन ई, ठीक है। सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाएंगे पीछे, डबल बॉन्ड के लिए ईन लगाएंगे। और अगर हमारे पास क्या हो बेटा, क्या हो हमारे पास, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो हमारे पास क्या लगाएंगे, आयन लगाएंगे। अब इसी के नेम पे हम छोटी सी एक आपको नेमिंग देना सिखा देता हूँ। जैसे देखो ये, जैसे CH4 था, CH4 था, तो इसको क्या बोलते थे, मिथेन, यही बोलते थे ना, CH4 हमारे पास क्या है, मिथेन है। तो इसको मिथेन कैसे दिया, कार्बन क्या है हमारे पास, एक है, कार्बन एक के लिए हम क्या बोलेंगे, कार्बन एक के लिए मेथ, कार्बन एक के लिए क्या यूज़ करेंगे, मेथ। तो
तो इसलिए हमने क्या कर दिया यहाँ पे मेथ यूज़ कर दिया, ठीक है। और कार्बन और इनके बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है, सिंगल है। तो अगर इसको खोल के देखेंगे तो इनके बीच में बॉन्ड क्या होगा, ऐसे ही था हमारे पास जब हमने स्टार्टिंग में किया था। तो हाइड्रोजन कितने थे, चार, ठीक है। तो बॉन्ड क्या है, बीच में सिंगल है। सिंगल बॉन्ड के लिए हमेशा क्या यूज़ करते हैं, सिंगल बॉन्ड हो तो क्या यूज़ करेंगे, एन। तो मैथ आया, मैथ क्या था, प्रफिक्स के लिए, और एन जो आएगा सुफिक्स के लिए। तो सिंगल बॉन्ड है इनके बीच में तो पीछे लगेगा एन, तो आपको आपको पता लग गया होगा। कार्बन एक था तो यहाँ पे इसका नाम क्या दे दिया, मैथ। और इनके बीच में बॉन्ड जो है वो क्या है बेटा, सिंगल है, तो पीछे क्या लगा दिया, एन। तो क्या बन गया, मिथेन। तो ऐसे इस तरह से मैं आपको इसके अंदर नेमिंग करनी सिखाऊंगा सभी की, ठीक है। तो वन बाय वन नेमिंग करेंगे, लेकिन नेमिंग करने से पहले आपको ये जो 10 तक हैं, ये जो हमारे पास प्रीफिक्स हैं, इनकी नेमिंग आनी चाहिए कि कार्बन वन को क्या बोलते हैं, कार्बन टू को क्या बोलते हैं, कार्बन थ्री हो तो क्या बोलते हैं, ठीक है। और जो बॉन्ड होते हैं हमारे पास, अगर सिंगल बॉन्ड हो तो एन लगेगा, डबल बॉन्ड हो तो ईन लगेगा, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो आयन लगेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा इसके अंदर नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो नेमिंग देंगे वो किसकी देंगे बेटा, अल्केन्स की, ठीक है। तो अल्केन क्या होते हैं हमारे पास, जो सिंगल बॉन्ड होते हैं या जिनको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, दैट इज नोन एज ए अल्केन्स। तो सबसे पहले जो नोमेनक्लेचर करेंगे, जो नेमिंग देंगे, वो हम किसकी देंगे बेटा, अल्केन की, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसके अंदर क्या है, द जनरल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड ऑफ दिस ग्रुप इज CnH2n+2। तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला जो होता है इस तरह के कंपाउंड का, ठीक है, इस तरह के ग्रुप का, वो क्या होता है, CnH2n+2 होता है। दीज आर आल्सो कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड होते हैं, इसलिए ये क्या होंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होंगे, ठीक है। या अदर नेम इसको क्या बोलते हैं, पैराफिन्स, ठीक है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड ही क्या होते हैं, पैराफिन्स होते हैं, ओके। इसके अंदर देखो ये जो जनरल फॉर्मूला है दे रखा है CnH2n+2, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। ये जो जनरल फॉर्मूला दे रखा है अल्केन के लिए, ठीक है, अल्केन के लिए अलग होगा, अल्कीन के लिए अलग होगा, और अल्काइन के लिए क्या होगा, अलग होगा, सबके लिए अलग होगा, ओके। तो ये जो जनरल फॉर्मूला है इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे एन क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। यहाँ पे एन क्या शो कर रहा है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम है, जैसे मान लो कि इसके अंदर एन, एन की वैल्यू मैं रख दूँ 1, तो C1H2n+2 तो कितना आ जाएगा, C1H2+2 4। अगर मान लो कि हमारे पास कार्बन क्या हुआ, एक हुआ, तो उसके साथ हाइड्रोजन कितने अटैच होंगे, 4 अटैच होंगे, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन हमारे पास कंपाउंड है, ठीक है। तो हाइड्रोजन और जो हमारे पास कार्बन है उनके बीच में जो रिलेशन होगा वो इस जनरल फॉर्मूले से पता लगता है कि हमारे पास अगर एक हमारे पास क्या हुआ, कार्बन हुआ, तो उसके साथ कितने अटैच होंगे हाइड्रोजन, 4 अटैच होंगे, ना इससे कम होंगे ना इससे ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो कितने कार्बन अटैच होंगे, इससे 4 अटैच ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसलिए ये फॉर्मूला क्या आता है, CH4 का। जैसे आगे देखो, एक और देखो, ये C1H1 आ गया। अगर मान लो कि मैं N की वैल्यू क्या रखूँ, N की वैल्यू रख दूँ 2, तो C की वैल्यू कितनी आ गई, 2, CN2, यहाँ पे N की वैल्यू भर दो, H2, N की वैल्यू कितनी भर दी, 2+2। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, C2, H कितना आएगा, 2+2, 4, 2 जा 4, 4+2, 6। अगर हमारे पास कार्बन कितने हुए, 2 हुए, तो H कितने हो जाएंगे बेटा, 6 हो जाएंगे, ठीक है, याद रख लेना। N के अंदर क्या था, अगर N की वैल्यू 1 भरी थी तो कार्बन एक था, लेकिन हाइड्रोजन कितने थे, 4 होंगे उसके साथ अटैच। अगर कार्बन 2 हुए तो हाइड्रोजन उसके साथ कितने अटैच होंगे, 6 अटैच होंगे। तो इस फॉर्मूले से हमें पता लगता है कि एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं, दो कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं,
थ्री कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं। तो ये जो जनरल फॉर्मूला है हमें ये चीज़ बताता है। ओके, नेक्स्ट देखो हमारे पास बेटा क्या है, रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर। जब हमने नेमिंग करनी है तो हमारे पास क्या क्या रूल होने चाहिए, ठीक है। किसी ने घबराना नहीं है, सिर्फ इसको अच्छे से समझना है। ओके, तो रूल क्या होने चाहिए नोमेनक्लेचर के लिए, जब भी हमने नेमिंग करनी है तो रूल क्या होने चाहिए। सबसे पहले देखो, वन बाय वन अच्छे से समझा दूंगा। देखो यहाँ पे क्या है, द लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन। फर्स्ट रूल क्या कहता है, द लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन, सबसे लंबी चेन को आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर मान लो कि आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा हो, अगर उसकी नेमिंग करनी है आपने, ठीक है, तो आपने लंबी चेन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, लंबी चेन को आपने सिलेक्ट करना है, और उस चेन को क्या बोलते हैं बेटा, पेरेंट चेन बोलते हैं। जैसे ये कार्बन 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 की ये ऐसी चेन है, ठीक है। इसके साथ मान लो कि यहाँ पे एक और कार्बन हमने ऐसे अटैच कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लंबी चेन कौन सी हो सकती है, देखो लंबी चेन आपने सेलेक्ट करनी है, ये मैंने आपको बता दिया। अब लंबी चेन कैसे सेलेक्ट करोगे, ये देखो, एक तो यहाँ से कह सकते हो 1 2 3 4 5, एक तो ये चेन होगी हमारे पास, ठीक है। यहाँ क्या चेन हो सकती है हमारे पास, 1 2 3 4, क्योंकि हमने कार्बन की एक चेन सेलेक्ट करनी है। या तो इस साइड से इस तरफ कर दो या इस तरफ से इस तरफ कर दो, एक ही बात है, ठीक है। लेकिन हमें लंबी चेन सेलेक्ट करनी है, तो कौन सी लंबी चेन है, 1 2 3 4 5। अगर यहाँ से लेकर ऐसे जाएंगे तो ये 5 बनते हैं कार्बन, और यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ से 4 बन रहे हैं और यहाँ से 5 बन रहे हैं, तो कौन सी चेन आप सेलेक्ट करोगे, ये वाली 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमारे पास रूल क्या है कि अगर हमने नेमिंग करनी है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, लंबी चेन हमने सेलेक्ट करनी है, क्योंकि कौन सी हमारे पास लंबी लाइन है, ठीक है, उसके साथ ही हमने उसकी नेमिंग देनी है। तो उसको क्या बोलते हैं, पेरेंट चेन बोलते हैं। जो एक लंबी चेन होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, पेरेंट चेन बोलते हैं, याद रख लेना। ओके, फिर देखो हमारे पास नेक्स्ट क्या है, सिलेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूट चेन। सिलेक्शन कैसे करना है सब्स्टिट्यूट चेन का। सब्स्टिट्यूट चेन क्या होती है, सुनो ध्यान से, हमारे पास सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं, सबसे पहले ये सुनो, सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं, अल्काइल ग्रुप होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पेरेंट्स चेन के आउटसाइड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि ये पेरेंट चेन है, ये मैंने आपको क्या कहा था, ये पेरेंट चेन है, ठीक है, ये पेरेंट चेन है। तो इस पेरेंट चेन के इस साइड या इस साइड या इस साइड या इस साइड हमारे पास अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएंगे, उस अल्काइल ग्रुप को क्या बोलते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। जैसे मान लो कि अगर इसके साथ इस साइड Cl अटैच हो गया, ठीक है, Cl अटैच हो गया, तो हमारे पास इस Cl को क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूट, ठीक है, इस Cl को क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ पे आपको पता लग गया होगा कि सब्स्टिट्यूट क्या होता है, पेरेंट चेन, जैसे पेरेंट चेन चल रही है उसके इस साइड या इस साइड किसी साइड भी हमारे पास क्या लग जाए, एक अल्काइल ग्रुप लग जाए, एक अल्काइल ग्रुप। जैसे मैंने Cl लगा दिया, जैसे मैंने और लगा दूं, जैसे F लगा दिया, फ्लोरीन लगा दिया, F लगा दिया, तो कोई भी अल्काइल ग्रुप हमारे पास अटैच हो जाए पेरेंट चेन के साथ, उसको क्या बोलते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। अब सुनो वो कह रहे हैं कि सिलेक्शन जो है सब्स्टिट्यूट चेन का वो कैसे करेंगे। सब्स्टिट्यूट का चेन का जो सिलेक्शन है वो हम ऐसे करेंगे कि हमारे पास जिस तरफ से कार्बन जो है वो ज़्यादा हैं, देखो जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, हमारे पास क्या लगा है, हमने सब्स्टिट्यूट यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो अब हमने नेमिंग कैसे देनी है, नेमिंग कैसे देनी है, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे नेमिंग कैसे देंगे, देखो यहाँ पे नेमिंग कैसे दोगे आप, तो यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने सब्स्टिट्यूट अटैच कर दिया तो हमारे पास जो नेमिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, उसके पास वाले से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5, इस साइड से स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि Cl इसके पास में है, ठीक है। तो यहाँ से नेमिंग क्या होगी बेटा, स्टार्ट होगी, ये याद रख लेना है आपने। ओके, तो सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने, लॉन्गेस्ट चेन पढ़ा था कि लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन, कार्बन कार्बन के अंदर सबसे लंबी चेन का हमने सिलेक्शन करना है, जो लंबी चेन होगी उसकी ही हम नेमिंग देंगे,
अगर दो या दो से ज़्यादा चेन है हमारे पास, उसके अंदर सबसे लंबी जो चेन होगी उसकी ही हम नेमिंग देंगे, उसको क्या बोलते हैं, पेरेंट चेन होते हैं। दूसरा क्या आता, अगर उसमें उस चेन के अंदर बाहर वाली साइड हमारे पास सब्स्टिट्यूट लगा हो तो वो सब्स्टिट्यूट क्या होगा, एक अल्काइल ग्रुप होता है जिसका क्या होता है, जैसे Cl हो गया, फ्लोरिन हो गया, क्लोरिन हो गया, ये क्या होते हैं, अल्काइल ग्रुप होते हैं जो पेरेंट चेन के बाहर अटैच होते हैं, दूसरी साइड में अटैच होते हैं हमारे पास, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। अब यहाँ पे चेन का सिलेक्शन कैसे होगा, मैंने आपको बता दिया, जिस साइड पे हमारे पास सब्स्टिट्यूट लगा है, जिस साइड से पास में है सब्स्टिट्यूट, उसी साइड से नेमिंग करनी है, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ से नेमिंग करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ से नेमिंग कर देंगे, ये गलत है, ऐसे नेमिंग करनी है। आपको समझ में आ गया, नेक्स्ट देखो, सिर्फ समझना है, आगे करके दिखाऊंगा इसको, ओके। थर्ड देखो हमारे पास क्या है, वाइल राइटिंग द नेम द सब्स्टिट्यूट आर रिटन फर्स्ट एंड राइट द नेम यूजिंग द प्रीफिक्स इन ऑर्डर टू इंग्लिश अल्फाबेट। जब भी हमने क्या करना है बेटा, मान लो कि हमारे पास कोई चेन है, उसके अंदर हमने सब्स्टिट्यूट ले रखा है, कोई चेन है उसके अंदर क्या ले रखा है बेटा, सब्स्टिट्यूट ले रखा है, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट का नाम आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद वो जो सब्स्टिट्यूट का नाम आएगा वो इंग्लिश ऑर्डर वाइज आएगा। कैसे, जैसे मान लो कि ये है, ये चेन है हमारे पास, इसके अंदर मैंने लगा दिया Cl, ठीक है, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट का नाम आएगा, जैसे सब्स्टिट्यूट का नाम क्या है, Cl का नाम है क्लोरो, ठीक है, Cl का नाम सपोज कर लो क्लोरो है, ठीक है, तो क्लोरो, फिर उसके बाद कितनी कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 1, 2, 3, 4, तो चार के लिए हम क्या बोलते थे, ब्यूट बोलते थे, ऐसा ही बोलते थे ना, और बॉन्ड कौन सा है, सिंगल, तो क्या लगा दिया, एन, ठीक है, ऐसी नेमिंग करनी मैं आगे सिखाऊंगा आपको, ओके। तो सिर्फ इसके लिए मैंने आपको बताया था कैसे होगा, अगर Cl कोई अल्काइल ग्रुप यहाँ पे अटैच है तो सबसे पहले इस अल्काइल ग्रुप की क्या होगी, नेमिंग होगी, Cl की नेमिंग कर दी क्लोरो, फिर कार्बन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 के लिए ब्यूट लगता है, और बॉन्ड कौन सा है, सिंगल, उसके लिए क्या लगा दिया, पीछे एन लगा दिया, ठीक है। तो हमारे पास जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होगा वो सबसे पहले आएगा, जैसे मान लो कि अगर देखो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कैसे, जैसे मान लो कि 1, 2, 3, 4 ये कार्बन है, ठीक है, इसकी अच्छे से नेमिंग मैं बाद में सिखाऊंगा, बार बार कह रहा हूँ आपको। जैसे मान लो कि ये है हमारे पास, एक जगह मैंने Cl लगा दिया, दूसरी जगह पे मैंने लगा दिया F लगा दिया, ठीक है, तो नेमिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, जहाँ से हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट सबसे पहले आएगा, कैसे, क्लोरो है, फिर क्या आता है, क्लोरो C के बाद क्या आता है, F आता है, तो 1, 2, 3, 4, C के बाद क्या आता है, F आता है, तो नेमिंग भी ऐसे स्टार्ट होगी, दो ग्रुप लगा रखे हैं, तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे बेटा, क्लोरो का, सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, क्लोरो का, फिर किसका लिखेंगे, फ्लोरो का, क्योंकि दोनों ग्रुप हैं, दोनों कौन से ग्रुप हैं, अल्काइल ग्रुप हैं, तो पहले इनके दोनों के नाम लिखने पड़ेंगे, तो पहले जो C है उसका नाम लिखेंगे, फिर F वाला है उसका नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद कितने हैं, चार हैं, तो ब्यूट, उसके बाद कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो एन, ऐसे नेमिंग करेंगे हम, ठीक है। तो सिर्फ मैंने आपको रूल समझाने के लिए ये बताया है कि इस तरह से हमारे पास क्या होगा, अगर सब्स्टिट्यूट दिखाई दिया तो सब्स्टिट्यूट की सबसे पहले नेमिंग होगी, वो भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर, ओके। नेक्स्ट क्या है, अगर हमारे पास जो सब्स्टिट्यूट हैं एक से ज़्यादा हो, अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूट एक से ज़्यादा हो तो उसकी जो नेमिंग है वो किस तरह से होगी, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि सेम टाइप के जो सब्स्टिट्यूट हैं एक से ज़्यादा हो तो उसकी नेमिंग किस तरह से करेंगे, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो आगे टेबल दिखाता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो बेटा, एक ही चैन के अंदर अगर हमारे पास जो सब्स्टिट्यूट हैं वो सेम हो तो उनके अंदर रूल क्या होता है, सुनो ध्यान से। अगर मान लो कि सेम चैन के अंदर, एक ही चैन के अंदर एक जैसे काफ़ी सारे सब्स्टिट्यूट हमारे पास हो तो उनकी नेमिंग कैसे करेंगे, देखो नंबर ऑफ सेम सब्स्टिट्यूट के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, सेम सब्स्टिट्यूट, अगर एक सब्स्टिट्यूट है तो मोनो यूज़ करेंगे, ठीक है, एक सब्स्टिट्यूट हो तो मोनो यूज़ बेसिकली कम करते हैं हम, ठीक है। अगर दो सब्स्टिट्यूट दिए गए हों तो डाई यूज़ करेंगे नेमिंग के लिए, थ्री के लिए ट्राई, फोर के लिए टेट्रा, फाइव के लिए पेंटा, सिक्स के लिए हेक्सा, सेवन के लिए हेप्टा, एट के लिए ओक्टा, नाइन के लिए नोना,
और 10 के लिए डेका, ठीक है। तो ये आपने याद कर लेने हैं कि नंबर ऑफ सेम सब्स्टिट्यूट यूज व्हाट, मतलब अगर हमारे पास किसी चेन के अंदर, जैसे मान लो कि ये चेन है, ये चेन है, इस चेन के अंदर मान लो कि क्लोरो दो बार आ गया, तो ये क्या है, ये भी सब्स्टिट्यूट है और ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूट है। तो दोनों सेम सब्स्टिट्यूट है, कितने हैं, दो हैं, कितने हैं बेटा, टू हैं। तो टू के लिए नेमी क्या देगी इसकी, डाई, ठीक है। तो जब इसकी नेमी करेंगे तो नेमी के बीच में क्या आएगा, डाई वर्ड आएगा। अगर मान लो एक और ले लो, एक दो तीन चार पाँच, मान लो कि यहाँ पे मैंने एफ लगा दिया, यहाँ पे भी एक और जगह एफ लगा दिया और यहाँ पे भी एक और जगह एफ लगा दिया, तो यहाँ पे क्या एफ कितने हैं, सेम सब्स्टिट्यूट कितने हैं, वन टू थ्री, तीन सब्स्टिट्यूट सेम है हमारे पास इस चेन के अंदर, तो तीन है सेम टाइप के, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, ट्राई। तो जब भी इसकी नेमिंग देंगे तो नेमिंग के बीच में क्या आएगा, ट्राई वर्ड भी आएगा, ओके। अब आपको पता लग गया होगा सेम सब्स्टिट्यूट के लिए आपको ये वर्ड याद करने ज़रूरी हैं, ठीक है। अब कुछ सब्स्टिट्यूट ऐसे हैं जो चेन के ऊपर लगते हैं और उनकी नेमिंग क्या देते हैं, और उनकी नेमिंग आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो नेमिंग याद करनी है, अगर आपके ग्रुप के ऊपर मान लो कि ऐसे आपका कोई है, इसके ऊपर सब्स्टिट्यूट अगर CH3 ऐड हो गया, ऐसे CH3 लग गया, तो उसको उस हमारे पास सब्स्टिट्यूट का नाम क्या होगा, मिथाइल होगा, ओके। अगर ऐसा कोई ग्रुप लग गया, ठीक है, सब्स्टिट्यूट लग गया, तो उसका नाम क्या होगा, इथाइल। अगर ऐसा कोई अटैच हो गया तो उसका नाम क्या होगा बेटा, प्रोपाइल। अगर क्लोरो लग गया तो उसका नाम क्या होगा, ये Cl लग गया तो क्लोरो होगा, Br लग गया तो ब्रोमो होगा, I लग गया तो उसका नाम क्या होगा, आइडो, F लग गया तो फ्लोरो, और NO2 लग गया तो नाइट्रो, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूट है हमारे पास जो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। जितने भी ये सब्स्टिट्यूट दे रखे हैं ये आपने याद कर लेने हैं, इनकी नेमिंग भी याद कर लेनी है, और साथ के साथ सेम सब्स्टिट्यूट के लिए कौन सा वर्ड यूज़ होगा वो भी आपने क्या करना है, याद करना है, याद रख लेना है। ये सेम सब्स्टिट्यूट के लिए है, अलग अलग के लिए नहीं है। जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे F आ गया और यहाँ पे Cl है, यहाँ पे F है और यहाँ पे Cl है, तो यहाँ पे ये वर्ड यूज़ नहीं होंगे, सिर्फ सेम सब्स्टिट्यूट के लिए ये क्या होंगे बेटा, यूज़ होंगे, ओके। लास्ट हमारे पास सिर्फ दो रूल बचे हैं इसके अंदर, सुनो ध्यान से। फिफ्थ रूल क्या है, नंबरिंग ऑफ सब्स्टिट्यूट, ठीक है। अब नंबरिंग कैसे करेंगे सब्स्टिट्यूट की, ठीक है, मैंने आपको बता रखी थी नंबरिंग कैसे करनी है सब्स्टिट्यूट की। ये देखो, मान लो ये हमारे पास क्या है, कार्बन कार्बन है, ठीक है, इसके ऊपर सब्स्टिट्यूट लग गया Cl, और यहाँ पे लग गया हमारे पास मान लो कि F। तो नंबरिंग कैसे स्टार्ट करनी है, जहाँ पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट सबसे पहले आएगा, C वाला पहले आता है, F वाला बाद में, तो 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट करनी है, ओके। और कैसे स्टार्ट नहीं करनी वो सुन लो, 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट नहीं करनी, क्योंकि F से पहले क्या आता है, Cl आता है, ओके। और देखो यहाँ पे अगर मान लो कि दोनों सब्स्टिट्यूट सेम जगह पे हो, जैसे ये देखो F यहाँ पे हो, दोनों सब्स्टिट्यूट क्या हो, सेम पे हो, ठीक है, तो हमारे पास नंबरिंग कैसे स्टार्ट होगी, हमारे पास यहाँ पे उसी तरफ से होगी, 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यही होगा हमारे पास। तो यहाँ पे ध्यान रख लेना है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट जिसका सबसे पहले आएगा उसी से हमने नंबरिंग इसकी क्या करनी है बेटा, स्टार्ट करनी है, ओके। जैसे एक और देख लो, जैसे ये हमारे पास ये हो गया Br और ये हो गया Cl, तो नंबरिंग कैसे स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, इधर से या इधर से, हाँ B वाले से, पता लग गया ना, अब बी वाला बी पहले आता है फिर सी बाद में आता है, तो नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे करनी है, ओके। तो सिर्फ सिखाने के लिए है, आगे अच्छे से सिखाएंगे आपको, ओके। नेक्स्ट देखो हमारे पास, जब भी हमने नेम लिखना है, जब भी हम नेमिंग करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो उसके अंदर आपने याद रख लेना है कोमा यूज़ होगा किसके बीच में, नंबर नंबर के बीच में, जैसे 2, 2, 3, 3 ऐसे कुछ अगर नेमिंग के अंदर लिखना पड़ा तो नंबर नंबर के बीच में लिखने के लिए आपको कोमा यूज़ करना पड़ेगा, ओके। आगे सिखाएंगे कैसे आएगा, तो नंबर नंबर के बीच में कोमा यूज़ करना पड़ेगा, और हाइफन, हाइफन इसको हाइफन बोलते हैं, याद रख लेना, इसको क्या बोलते हैं बेटा, हाइफन बोलते हैं। और हाइफन कब आएगा, जब नंबर और नेम के बीच में लिखना पड़ेगा, जैसे 2 उसके बाद मिथाइल लिखना है, तो मिथाइल क्या है, एक नंबर है, सॉरी मिथाइल क्या है, एक लेटर है, और ये क्या है, एक नंबर है। अब इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, हाइफन लगेगा, ऐसे 2 मिथाइल, ठीक है। अगर ऐसे लिखेंगे
टू आगे लगाना पड़ा, तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा, कोमा। तो नंबर नंबर के बीच में कोमा आएगा और नंबर और लेटर के बीच में क्या आएगा, हाइफन यूज़ करना है। ये रूल होते हैं हमारे पास बेटा किसके, नोमेनक्लेचर के। जब भी हमने नेमिंग करनी है तो ये आपने रूल याद करने हैं। कल हम क्या करेंगे, इनकी नेमिंग स्टार्ट कर देंगे और आपको ये जो टेबल हैं, जितनी भी मैंने आपको टेबल करवाई हैं, इसको अच्छे से आपने लर्न कर लेना है। इन टेबल के बिना आप इनकी नेमिंग नहीं कर सकते, ठीक है। जो रूल मैंने आपको करवाए हैं, जो टेबल आपको बताई हैं कि जो लर्न करनी है उनको अच्छे से लर्न करना है, उसके बाद ही हम इसकी आगे नेमिंग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।